आप ध्यान रखिएगा ध्यान से सुनिएगा समझने की कोशिश कीजिए नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट थरली एंड ट्राई इंप्लीमेंटिंग इट सो फर्स्ट इज वाइल यू सिट यानी ट्रांजिशन टू द कमोड सीट ओके वाइल्ड यू सिट आपको क्या ध्यान रखना है सेकेंड स्टेप इज वंस यू आर यू आर सीटेड आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए थर्ड इज जब आप स्टूल्स को पास कर रहे हो तब आपको क्या ध्यान रखना है और उठते हुए आपको क्या ध्यान रखना है सो ऑल फोर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करो तो आप बहुत बहुत सेफ बना देते हो आपके बैक को सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो वाइल्ड ट्रांजिशन फर्स्ट वी गो विद हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं जब हम टॉयलेट सीट पे बैठते हैं yes. क्या देखा आपने वी डिड टू मिस्टेक्स वन वॉन्स सिटिंग विदर्क कितने लोग ये करते हैं हम में से बहुत सारे चाहे आप बताओ या ना बताओ सो so, वंस यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये हमारे से मिस्टेक हो रही है जिसके वजह से हम अपने स्पाइन को उस जर्क से इरीटेट कर सकते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से करने की प्रैक्टिस कर सकते हो सो वन इज़ जर्क एंड सेकेंड इज अगर आप आपके पेट के मसल को मसल्स को हल्का अंदर खींचो सांस को बाहर छोड़ते वक्त So, करना क्या बैठोगे तो फूक मारते हुए पेट के मसल्स को अंदर खींचो और एकदम जेंटली प्यार से टॉयलेट सीट पे बैठ जाओ सो so, आप इस एक चेंज से जो आपको शायद अभी तक तो आप हजारों बार इनफैक्ट मोर टाइम्स कर चुके होंगे अब अगले हजारों बार आपको इसे बेटर प्रैक्टिस करना है Once you are seated, फिर आप क्या करते हो जरा सोचो वो डू डू

Uh, हम इंडियन स्टाइल सिटिंग इज़ बैड और कमोड़ पे बैठो तो आपका काम हो गया फिर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि नहीं आपको बैक का तकलीफ है आप कमोड़ पे बैठिए तो बेटर रहेगा और आपको ऐसे लगता है कि अगर मैंने कमोड़ पे ए, कमोड़ पे मैं बैठ बैठ गई या बैठ गया तो मेरा काम हो गया आई एम सेफ नो यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स सो आपका सिटिंग पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स गो विद इट अगेन क्या करना है stretch yourself become tall become tall stretch yourself and then आपको step वन ऊंचा होना है step टू आगे सीधा bend करना है ऊंचे रहते हुए और आपका जो body weight है वो आपके घुटने की तरफ आपको shift करना है और हाथ आपके घुटने so that's it और फिर just be relaxed and let it go okay then आपको समझ गए आप सिटिंग पोस्टर इज तीन चीजें कम से कम ध्यान रखिए आपको ऊंचा होना है आगे सीधा बैंड करना है हाथ घुटने पे रहेंगे बॉडी वेट आगे शिफ्ट होगा ओके सो दिस एंगल इज बेटर फॉर इवैक्यूएटिंग और पासिंग योर स्टूल्स ओके नेक्स्ट वाई योर पासिंग अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको इस वक्त क्या करना है आपको आपके पेट को फुलाना है और फुलाते हुए यू हैव टू ब्लो आउट थ्रू माउथ यस सो फुलाते हुए ब्लो आउट थ्रू माउथ ब्लो आउट थ्रू माउथ एंड देन वंस यू आर डन इसमें मैं आपको एक और टिप दे देती हूँ वेन यू आर पासिंग योर स्टूल्स तब आप एक थॉट क्रिएट कीजिए कि आप अभी तक सुबह से लेके शाम तक या लास्ट टाइम आप जब टॉयलेट सीट पे बैठे थे तब से लेके आप तक अब तक जितनी चीज़ें हुई होगी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी कुछ नहीं कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपके लिए हर्टफुल होंगे या एनी स्ट्रेस एनी अपसेट लेट इट गो आउट वाइल यू आर पासिंग योर स्टूल सो लेट योर माइंड एज वेल एज बॉडी बी क्लियर एंड बेटर वंस यू आर आउट

पेट को अंदर खींचते हुए आपको जेंटली ऊपर उठना है यस आई होप दिस वॉज वेरी 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 यूजफुल एंड थैंक यू डॉक्टर देवयानी शी इज माई मदर इन लॉ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल